नई उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली। पीएम ने जहां एक तरफ सबल, सशक्त, स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वच्छ, स्वस्थ एक भारत बनाने की कोशिश की, तो वहीं दुनिया भर के देशों का दौरा कर न सिर्फ नए दोस्त गढ़े बल्कि दुनिया भर को भारतीयता के वसुधैव कुटुंबकम के महादर्शन से रूबरू कराया। प्रधानमंत्री द्वारा मानवीय संवेदनाओं पर किए गए कार्यों को दुनिया ने सराहा। उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से नवाजकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। पीएम के सकारात्मक कार्यों पर मुहर लगाने और हौसला अफजाई करने वालों में सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फलिस्तीन, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीति ने भारत को शानदार परिणाम दिए। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। यूएई के संस्थापक शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के नाम पर यहां हर साल ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान दिया जाता है। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी को इस साल के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी कड़ी में खाड़ी के एक और देश बहरीन ने भी शनिवार को ही प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। बहरीन के प्रधानमंत्री शहजादे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ने पीएम मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से नवाजा। इससे पहले पीएम मोदी के जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में शानदार वापसी के बाद मालदीव ने विदेशी हस्तियों को दिए जाने वाले अपने देश के सर्वोच्च सम्मान रूल ऑफ द निशान इज्जुद्दीन से उन्हें सम्मानित किया। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। ये सम्मान भारत फिलिस्तीन के संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया था। ग्रैंड कॉलर विदेशी मेहमानों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेरात में ऐतिहासिक अफगान भारत मैत्री बांध के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को उनकी सेवाओं की प्रशंसा में अफगानिस्तान द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अप्रैल 2016 को पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें रॉयल कोर्ट में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की नवाचार विदेश नीति ये सुनिश्चित करती है कि भारत के मुस्लिम जगत के साथ रिश्ते पहले से भी बेहतर बने। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की मुस्लिम दुनिया में व्यापक स्वीकार्यता कई मायनों में ऐतिहासिक है। आतंकवाद, क्षेत्रवाद, संरक्षणवाद और अतिवाद से जूझती दुनिया में भारत और मुस्लिम जगत की अनूठी जुगलबंदी आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक नई दास्तान लिखेगी। संबंधों की, मित्रता की, सहयोग की, सामंजस्य की, शांति की और सह अस्तित्व की।